नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अंतरिम रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा के पीछे आपराधिक साजिश अहम वजह है। रिपोर्ट में अब तक हुई गिरफ्तारियों और हिंसा की जांच के लिए बनाई गई टीमों व अन्य अहम जानकारियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में शोभा यात्राओं के बारे में दी गई अनुमति को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से हिंसा में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उधर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी देश जिम्मेदार हैं। पुलिस हिंसा के तमाम अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 अभियुक्तों अंसार और असलम को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने वाले संगठन विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी है कि दिल्ली पुलिस ने अगर हमारे किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई की तो हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ सीधा आंदोलन कर देंगे। VHP की धमकी तब सामने आई जब पुलिस ने कल सोमवार को कहा था कि उसने आयोजकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने के लिए FIR दर्ज की है और VHP नेता प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बाद में पुलिस ने यह कहते हुए उस बयान को वापस ले लिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एक जमानती अपराध है और जांच में शामिल होने वाले व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। यानी पुलिस के कहने का आशय यह था कि प्रेम शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने जो संशोधित बयान जारी किया उसमें VHP और बजरंग दल का नाम नहीं था, जबकि पहले वाले बयान में बजरंग दल और VHP का नाम था। बहरहाल पुलिस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हमें पता चला है कि VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और एक कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस बहुत बड़ी भूल कर रही है। गुजरात के वडोदरा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हिंसा रविवार की देर रात हुई थी जब 2-पहिया वाहन सवार आपस में टकरा गए थे। इसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर पथराव शुरू हो गया था और भीड़ ने कुछ वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की थी। करेलीबाग इलाके से शुरू हुई हिंसा थोड़ी ही देर में रावपुरा से लेकर जुबलीबाग तक फैल गई। पुलिस ने कहा कि भीड़ ने एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं, पहली रावपुरा पुलिस थाने में और दूसरी करेलीबाग में। रावपुरा पुलिस थाने में दर्ज FIR में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक शख्स पर हमला करने की शिकायत की गई, जबकि करेलीबाग थाने में दर्ज FIR में 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने और मंदिर को अपवित्र करने की शिकायत लिखाई गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश के 2 प्रमुख शहरों में चुनाव जीतने के लिए दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 2 प्रमुख शहरों में जिस तरह का दंगे का माहौल बनाया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई में भी यही किया गया है और यहाँ लाउड स्पीकर का मुद्दा बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 नगर निगमों को आधिकारिक तौर पर विलय कर दिया गया है। अब दिल्ली में 3 के बजाय बस 1 महापौर होगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसे अब से दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के 3 नगर निकायों पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का विलय करना है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। ईद और अक्षय तृतीया सहित आगामी त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आवाज़ परिसर के बाहर नहीं सुनाई जानी चाहिए और दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन को नए स्थानों पर माइक्रोफोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है। माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माइक्रोफोन की आवाज़ परिसर से बाहर ना जाए। इससे दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक सरकारी विज्ञप्ति में आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया है कि किसी भी नए स्थान पर माइक्रोफोन लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों पर यातायात बाधित किए बिना निर्धारित स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों की अनुमति के बिना धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलूस की अनुमति जारी करने से पहले आयोजकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हलफनामा लिया जाएगा, साथ ही केवल पारंपरिक जुलूसों को अनुमति जारी की जाएगी, किसी भी नए जुलूस को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर बिना तैयारी के और बिना अनुमति के जुलूस निकालने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश आया है। हाल ही में जब रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में हिंसा और दंगे हुए, तब भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में एक भी घटना नहीं हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था की तारीफ भी की।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित अत्याचार का एक घिनौना मामला सामने आया। इसमें कुछ युवक दलित युवक की पिटाई करते नजर आते हैं और उसे पैर चाटने पर मजबूर करते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। वैसे देश में ऐसी जाति आधारित हिंसा के मामले जब तब आते रहते हैं। इसमें वैसे मामले भी शामिल हैं जिनमें दलितों को शादी के दौरान घोड़े पर बैठने या मूंछ रखने पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। रायबरेली के इस ताज़ा मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि पीड़ित किशोर की मां ने आरोपियों में से एक के घर मजदूरी की थी और किशोर उस मजदूरी के पैसे मांगता था। पुलिस का कहना है कि घटना 10 अप्रैल को हुई और पीड़ित की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तारियां की गईं। मामले के कुछ आरोपी तथाकथित ऊंची जातियों के हैं। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 17 मंत्रियों वाली नई कैबिनेट नियुक्त की। इस कैबिनेट में सिवाय प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को शामिल नहीं किया। बता दें उन पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट में उनके परिवार के लोग ही मुख्य पदों पर थे। इसके अलावा समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने माना कि साल 2020 में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगाना उनका फैसला गलत था। इसकी वजह से देश में खाद्य उत्पादन में भारी कमी आई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।